मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पटवारी और उनके पूरे दल के साथ मारपीट की गई थी। 5 दिन पहले हुई मारपीट की घटना को लेकर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कार्यवाही न होने से पटवारी संघ में आक्रोश फैल गया है, जिससे मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने छतरपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन के दौरान अतिक्रमणकारियों ने पटवारी और उनके पूरे दल के ऊपर जानलेवा हमला किया था। यह घटना बीजावर तहसील के लहर गांव की बताई जा रही है। बता दें कि इस मामले में किशनगढ़ थाना पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। ये घटना मेरे संज्ञान में आज आई है और इसके पहले किसी ने बताया भी नहीं है, लोगों ने भी कभी चर्चा नहीं की है। आज इनका ज्ञापन आया है और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के संज्ञान में ये विषय आया है तो कार्रवाई तो जरूर होगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और बाकी जो भूमि है जो अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई जानी है वो भी मुक्त होगी। डीजी मिनरल्स जो एक माइनिंग की कंपनी है उसका मध्य प्रदेश शासन के साथ MOU साइन सागर में हुआ था और उसके उसके लिए क्या हुआ था कि डीजी मिनरल्स को वन विभाग की जमीन दी जानी थी एवं वन विभाग को राजस्व विभाग की जमीन हस्तांतरित होनी थी। मध्य प्रदेश शासन की कुछ जमीन तहसील बिजावर लाहर में स्थित है, जिसको कलेक्टर साहब ने वन विभाग को हस्तांतरित किया था एवं कब्जा देने हेतु आदेश किया था। हमारे पटवारी साथी जब कब्जा देने मौके पर पहुंचे तो वहाँ जो अतिक्रमणकारी हैं उन लोगों ने पटवारियों को घेर कर मारपीट की, उनके साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस घटना को 23 तारीख की ये घटना है, आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में हम सभी जिले के पटवारी एकत्र होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।